बोल रही हूँ कि घर से बाहर मत निकलो, मास्क 24 घंटे पहन के रखो, नहीं उससे ज्यादा जरूरी है ये चीज जो मैं बोलने वाली हूँ। आज की वीडियो को आप लाइक मत करो चलेगा, कमेंट मत करो चलेगा, लेकिन प्लीज शेयर जरूर करना। देखो हो क्या रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन सबके सामने है, मेंटली इंसान ज्यादा मर रहा है, वो सोच सोच के इतना मर जा रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है मैं शायद ही बच पाऊंगा। वो लोगों के अपने आसपास की हालत, इतने सारे लोगों के रिलेटिव्स देख के, मतलब जैसे बड़ी एज के लोग हैं वो ही देख रहे हैं कि छोटे छोटे लोग ही चले जा रहे हैं और हमको गए तो हम तो कहाँ ही बचेंगे। बड़ा फर्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान जवान बच्चे जा रहे हैं जी, बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है, बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं वो 18 साल 20 साल के। टाइम मेंटल सपोर्ट का, हमको जितना हो सके लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देना है, अच्छा फील कराना है, उनको एकदम छुआछूत जैसे मत करो कि नहीं आप तो अकेले कमरे में बंद कमरे में बैठो। ठीक है सेफ्टी बहुत सही है, बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी मत करो। और दूसरी बात कि अभी ये टाइम ऐसा है कि जब लोगों को मेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो हमसे जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, हर किसी से, लोगों से अच्छी बात करो, उनको फील कराओ कि यार वो छोटी बीमारी है तुम वापस आ जाओगे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके प्लीज लोगों की हेल्प करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मास्क मत पहनो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मास्क पहन के रखो, घर से बाहर मत निकलो, ये सेफ्टी मेजर सबको पता है, हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी ह्यूमैनिटी की जरूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर का जो इंसान है ना उसको बाहर निकालो और हेल्प करो लोगों की। तो लोग बुरा सोच सोच के दलदल में फंसते जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया मैं नहीं बच पाऊंगा, और उनकी सोच के, नेगेटिव सोच के हालत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज जितना हो सकता है हम सबको, एक अभी हमारे पास चांस है लोगों की हेल्प करने का, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है। प्लीज गाइज।